दोस्तों, WWE का जो समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट है उसका मैच कार्ड देखने के बाद हम सभी यही बोलने वाले हैं। दोस्तों, समर स्लैम के लिए WWE ने अब तक 7 मैचेस को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और समर स्लैम दोस्तों 3 अगस्त को हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, समर स्लैम जो है ये रेसलमेनिया के बाद WWE का दूसरा सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी होप लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें और साथ ही साथ एक बड़ा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं WWE के समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे इन सभी मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में, साथ ही साथ दोस्तों शॉकिंग सरप्राइजेस के बारे में और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे इस शो की टाइमिंग के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोज देखने के लिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करते हैं कि समर स्लैम हमें इंडिया के अंदर किस समय पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हमें सोनी N1 के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आप इसको सुबह 4:30 बजे इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों वैसे जो पूरा समर स्लैम का रिव्यू होगा वो दोस्तों आपको सुबह चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर समर स्लैम के मैचेस की तरफ, जहाँ पर WWE ने 7 मैचेस को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और अब दोस्तों समर स्लैम काफ़ी ज़्यादा पैक जो शो है वो हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों फर्स्ट मैच यहां पर होने वाला है बेली वर्सेस नाया जैक्स के बीच में, और ये होगा WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों बेली ने रेसलमेनिया के अंदर इस चैंपियनशिप को जीता था और इनका जो टाइटल रेन है ये हमें ठीक ठाक सही देखने को मिला है। लेकिन अब दोस्तों बात करें इस मैच के बारे में, तो दोस्तों यहां पर जो नाया जैक्स है वो बेली को हराने वाली है और नाया जैक्स हमें नई वुमेन्स चैंपियन देखने को मिल सकती हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें शॉकिंग सरप्राइज ये देखने को मिलेगा कि जो टिफनी है वो यहाँ पर दोस्तों अपना कैश इन करने वाली है, और दोस्तों जो टिफनी है वो यहाँ पर अपना कैश इन सक्सेसफुली कर देंगी और जो टिफनी है वो हमें नई चैंपियन देखने को मिलने वाली है एट समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मैच यहां पर होने वाला है सैमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, और ये मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मनी इन द बैंक के अंदर भी हमें इनका मैच देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम पर दोस्तों सैमी जेन ने अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। लेकिन अब जो ये मैच होने वाला है इस मैच के लिए स्टेक्स काफ़ी हाई हैं, और इस बार दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ब्रॉन ब्रेकर इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं। और ये मैच हमें काफ़ी ज़्यादा ऑसम देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रिडिक्शन रहने वाली है कि यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर हमें नए चैंपियन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो है दोस्तों WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि होगा लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिपली के बीच में, और ये दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है कि इस मैच के अंदर हमें किस तरीके से इस मैच का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है डोमिनिक मिस्टेरियो का। दोस्तों मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में डोमिनिक मिस्टेरियो ने रिया रिपली के साथ ही अपना जो जो उनका फैक्शन है उसको दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू रखा है। लेकिन समर स्लैम के अंदर हमें शॉकिंग फैक्टर ये देखने को मिल सकता है कि डोमिनिक मिस्टेरियो यहां पर टर्न करने वाले हैं रिया रिपली के ऊपर, जिसकी वजह से जो लिव मॉर्गन है वो यहां पर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करने वाली है। तो सिंपली दोस्तों हमारी जो प्रिडिक्शन है वो दोस्तों यहां पर लिव मॉर्गन के पक्ष में रहने वाली है कि लिव मॉर्गन अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करने वाली है। दोस्तों इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच यहां पर देखने को मिलने वाला है, जो कि है US चैंपियनशिप के लिए लोगन पोल वर्सेस एला नाइट के बीच में, और ये दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोगन पोल का होम टाउन है उसी के अंदर दोस्तों समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। तो दोस्तों एला नाइट वर्सेज लोगन पोल ये हमें काफी धासु मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर। और दोस्तों बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में, तो यहां पर दोस्तों सिंपली हमारी प्रिडिक्शन एला नाइट के लिए रहने वाली है कि एला नाइट इस मैच के अंदर लोगन पोल को हराकर नए US चैंपियन बनते हुए नजर आने वाले हैं समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में। दोस्तों इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि होगा गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। और भाई साहब इस मैच के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार की जो लेंथ है, जो हैवीवेट्स हैं, जो स्ट्रेंथ है इनकी, वो दोस्तों काफी ज्यादा बराबर है। और ये मैच हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर। और इस मैच के अंदर भी दोस्तों जजमेंट डे का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अगर दोस्तों इस मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं, तो दोस्तों यहां पर फिन बैलर का इंपॉर्टेंट रोल
रोल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट के बीच में जो WWE है वो दोस्तों स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी प्रिडिक्शन है वो दोस्तों रहने वाली है यहाँ पर गुंथर के पक्ष में, कि गुंथर दोस्तों इस मैच के अंदर डेमन प्रीस्ट को हराने वाले हैं और गुंथर बनने वाले हैं नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। दोस्तों नेक्स्ट मैच के बारे में हम बात करते हैं, जो कि हमें पॉसिबली शो का मेन इवेंट मैच देखने को मिल सकता है, और ये मैच है दोस्तों अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में। तो दोस्तों नो डाउट इस मैच के अंदर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करने वाले हैं, और दोस्तों इस मैच के अंदर हमें शॉकिंग फैक्टर ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों रेसलमेनिया के बाद हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मोस्ट अवेटेड रिटर्न होने वाला है एज पर रूमर्स। तो दोस्तों इस मैच के अंदर शॉकिंग फैक्टर ये है, रोमन रिंग्स इस मैच के अंदर अपना रिटर्न करने वाले हैं, और फैंस दोस्तों इस मैच को देखने की बजाय रोमन रिंग्स के रिटर्न को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स का जलवा है WWE कंपनी में। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं समर स्लैम के सबसे बड़े मैच के बारे में, जो कि है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM पंक, और यहां पर दोस्तों स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं सेथ फ्रीकिंग रोलंस। तो दोस्तों इस मैच के अंदर सेथ रोलंस का एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सेथ रोलंस ड्रू मैकइंटायर के साथ भी उनके इश्यूज हैं और CM पंक के साथ भी उनके इश्यूज हैं। तो दोस्तों इस मैच का रिजल्ट WWE किस तरीके से निकालने वाली है, और ये दोस्तों काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैच है, क्योंकि CM पंक का स्टॉक भी WWE कंपनी के अंदर काफी हाई है और ड्रू मैकइंटायर तो भाई नेक्स्ट लेवल पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, कौन सा सुपरस्टार इस मैच के अंदर जीतने वाला है? तो दोस्तों सिंपली यहां पर दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि इस मैच के अंदर ड्रू मैकइंटायर हमें जीतते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों WWE आगे जो फ्यूड है उसको कंटिन्यू करने वाली है, और इसी के साथ साथ दोस्तों सेथ रोलंस और CM पंक के बीच में भी WWE फ्यूड को आगे कंटिन्यू करने वाली है। तो दोस्तों सेथ रोलंस वो इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो CM पंक है वो इस मैच के अंदर हारने वाले हैं और ड्रू मैकइंटायर इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं। तो दोस्तों समर स्लैम का ये सबसे बड़ा मैच होने वाला है, अगर दोस्तों WWE इसको मेन इवेंट के अंदर भी डालती है तो भी दोस्तों ये मैच मेन इवेंट लेवल को ही डिजर्व करता है। ये दोस्तों समर स्लैम का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, और फैंस दोस्तों इस मैच के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और फाइनली दोस्तों WWE ने हमारी विशेष को फुलफिल कर दिया, जो कि हमें समर स्लैम के अंदर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM पंक का धांसू मैच देखने को मिलने वाला है, और हमारी जो प्रिडिक्शन है वो दोस्तों ड्रू मैकइंटायर के पक्ष में यहां पर रहने वाली है, कि ड्रू मैकइंटायर इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल करने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो इतनी सी थी, और ये थी समर स्लैम के बारे में रिजल्ट्स और शॉकिंग सरप्राइजेज रिटर्न्स की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा, या फिर अपनी जो प्रेडिक्शन आपकी वो दोस्तों कमेंट्स के अंदर आप जरूर लिखिएगा, और इसी के साथ साथ दोस्तों डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।